नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल साइंस का जादूगर में। मैं दिव्यांश सैनी आज आपको नई वीडियो लेकर आया हूँ केमिस्ट्री। आज मैं आपको केमिस्ट्री में लेसन नंबर 3 यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो चैप्टर्स कम्प्लीट कर दिए हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स और केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं सबसे पहले हम उनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे, किस तरीके से उनको अलग करेंगे। आज मैं सबसे पहले उनके बारे में आपको बताऊंगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाय स्टूडेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो मेटल्स में मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखने वाला हूँ मेटल्स विच हैव वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, आउटर मोस्ट शेल यानी कि मेटल्स जो होंगे उनमें क्या होगा, एक दो तीन इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट यानी कि बाहर वाला जो शेल होता है उसमें एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे जिनको हम वैलेंस शेल। एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी स्टूडेंट, इसके एग्जांपल देखिए मेटल्स सोडियम। ओके, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स, 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2.8.1। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। और देखिए स्टूडेंट, पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 19.2881। ओके, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होने वाला है स्टूडेंट्स, 12 यानी कि 28.2। तो ये हो गया। ओके, तो व्हिच है 1 या 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स, और एक हो जाएगा इसका एग्जांपल एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यानी कि 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2.8.3 जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 2, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने वाले हैं, 1, जिसमें किसमें 2। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये मैंने बता दिया क्या इलेक्ट्रॉन, ये हो गए क्या मेटल्स। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, वो होते हैं स्टूडेंट एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस किसको छोड़ के यानी कि हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन में कितना, एक वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, आइदर मेटल या नॉन मेटल। यानी कि अभी तक पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम अभी तक नहीं बता पाए हैं कि हाइड्रोजन इज ए मेटल और नॉन मेटल। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये एक्सेप्शन मेटल्स में भी आने वाला है और ये एक्सेप्शंस नॉन मेटल्स में भी आने वाला है। कौन सा वाला, हाइड्रोजन वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं मेटल नॉन मेटल्स में, मेटल्स में लिखूं नॉन मेटल्स में लिखूंगा व्हिच हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले स्टूडेंट्स, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ओके, इन देयर आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। ओके, यानी कि ऐसा एलिमेंट्स जिनके 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में यानी कि बाहर वाले में, उनको हम क्या बोलते थे, नॉन मेटल्स बोलते थे स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल कार्बन, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होने वाला है स्टूडेंट, 6, तो इसका इलेक्ट्रॉन का 2.4 यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने
इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट्स, 4 इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन स्टेट में होता है, 2.5 यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट्स 5, ऑक्सीजन कितना होता है 8 यानी कि 2.6 यानी कि 2, 4, 2, 5, 2, 6 यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, इसमें 5 होता है, इसमें 6 होता है यानी कि इनके आउटरमोस्ट शेल में। अब देखिए स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस क्या है, भाई हाइड्रोजन क्या लिखने वाला हूँ मेटल्स जनरली आर सॉलिड, यानी कि मेटल्स जनरली क्या होने वाले हैं स्टूडेंट, सॉलिड होने वाले हैं। सॉलिड देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मेटल्स आखिर सॉलिड क्यों होते हैं। तो एक अगर मैंने दो मेटल्स ले लिए स्टूडेंट, अगर मैंने एक ले लिया क्या गोल्ड, एक ले लिया प्लेटिनम, या मैंने ले लिया एक सोडियम, या मैंने ले लिया एक पोटेशियम, तो स्टूडेंट्स क्या होता है मेटल्स के बीच में मेटालिक मेटालिक बॉन्डिंग होती है, यानी कि मेटल्स मेटल्स की क्या होने वाली है बॉन्डिंग होने वाली है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स मेटल्स के बीच में क्या होने वाली है मेटालिक बॉन्डिंग, ओके। इसीलिए वो जनरली क्या होते हैं सॉलिड्स होने वाले हैं ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि उनके बीच में क्या है मेटालिक बॉन्डिंग है, इनके बीच में मेटल्स के बीच में, इसलिए मैंने लिख दिया मेटल्स जनरली आर सॉलिड। मेटल्स जनरली क्या होने वाले हैं स्टूडेंट्स सॉलिड होने वाले हैं, ओके। और मैं इसका क्या लिखता हूं अब एक्सेप्शन, वही जो कि मैं याद रखना है सबसे ज्यादा जरूरी यही है स्टूडेंट्स। देखिए क्या ये एक्सेप्शंस हो गया इसका स्टूडेंट्स मरकरी, ओके। मरकरी क्या है स्टूडेंट्स लिक्विड, ये कैसा होता है लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ओके स्टूडेंट्स। ये क्या होने वाला है मरकरी, मरकरी इज ए लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि मरकरी क्या होने वाला है रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है स्टूडेंट्स लिक्विड होता है। इसका एक और एक्सेप्शन है, एक और है इसका गैलियम, गैलियम जनरली कैसा होता है हार्ड होता है, लेकिन जब हम उसको हैंडलिंग करेंगे यानी कि इसको यूज में लेंगे टू बी हैंडलिंग, ओके, जब हम इसको हैंडल करने वाले हैं स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाता है, ये कैसा होता है स्टूडेंट्स लिक्विड टाइप का हो जाएगा जब हम इसको अपने यूज में लेंगे तब, क्या चीज गैलियम। तो मैंने इसके दो एक्सेप्शन बता दिए, एक हो गया मरकरी और एक हो गया गैलियम स्टूडेंट्स। अब देखते हैं किस पे फिजिकल स्टेट किसका स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स का, देखिए स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट किसका नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल्स कैसे दिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होता है नॉन मेटल्स आर सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकते हैं गैसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं सॉलिड्स होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया गैसेस, ओके लिक्विड्स और जरूरी है ब्रोमीन, और बात पूछा गया है ब्रोमीन इज ए लिक्विड व्हिच इज ए नॉन मेटल, यानी कि ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है जो कि क्या है नॉन मेटल है, तो इसको आप ध्यान रखिए ब्रोमीन को। बाकी के सॉलिड में आपको पता है कार्बन है ग्रेफाइट है, ओके, और जितने भी बचे हुए हो गए वो सब किस में सॉलिड में। तो देखिए मैं आपको बेसिकली बता दे रहा हूं 11 होते हैं आपके गैसेस, नॉन मेटल लिक्विड होता है 1, बाकी के बचे हुए ऑल एसिड 11+1 यानी कि 11+1 को छोड़ के बाकी के जितने भी बचे हुए हैं वो स्टूडेंट्स क्या होने वाले हैं आपके सॉलिड, ओके। ये मैंने बता दिया फिजिकल स्टेट किसका नॉन मेटल्स का। अब हम इसका क्या देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस देखते हैं।
यानी कि इसका एडप्शन क्या है। तो स्टूडेंट क्या हो गया, मैंने बता दिया ब्रोमीन, ओके, क्योंकि ब्रोमीन क्या है स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया ब्रोमीन इज ए लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होता है, ब्रोमीन होता है, ओके। तो मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिए, आगे डिफरेंस देखते हैं।